फ्रेंड्स, आज हम लगाने जाएंगे मॉर्निंग लगाने जा रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स। तो ये देखिए इस तरह से कुछ हैं, और मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, आपके साथ शेयर भी करे थे। तो तीन चार तो मैंने पहले लगा दिए थे, और दो तीन तीन चार दिन हुए लगाए हुए हैं, और दो आज मैं लगाऊंगी। तो किस तरह लगाऊंगी, क्या इसकी केयर टिप्स हैं, किस तरह की मिट्टी में लगाऊंगी, ये सब बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो देखिए जैसे कि ये गमला है, गमले में मैंने पहले ही रेत वगैरह सब कुछ डालकर तैयार कर रखा है। ऐसे दो तीन मेरे पास गमले हैं। तो देखिए इस तरह का कुछ नज़ारा मेरे टेरेस गार्डन को हो रहा है। फूल ली है, और ये है बहुत ही जगह घना कोहरा है। अरे देखिए अमरूद के पत्ते पीले पीले पड़ गए हैं। तो आज मैं बोऊंगी ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स। मैंने तीन चार दिन पहले भी बोए थे, एक दो आज बोऊंगी। तो किस तरह बोऊंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में तक जरूर बने रहना, और वीडियो मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे की कैसी मिट्टी होनी चाहिए गमले की, वो भी सब मैं बताऊंगी। तो देखिए इसके लिए पहले मैं गमला दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह के पॉट में मेरे जो ये है घर की बनी हुई वेस्ट इसकी खाद है इसके अंदर टोटली। और देखिए कितना बड़ा है और कितना हल्का है, मिट्टी बहुत कम है इसमें। 30% मिट्टी होगी, 45% घर की खाद है, और कुछ इसमें है गाय के गोबर की खाद। तो इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें मैंने 20% रेत मिलाया। इस तरह से बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है। तो इस तरह के गमले में मैं ये सीड्स को बोऊंगी, और दो तीन गमले में मुझे बोना है। और ये देखिए मौसम कुछ ऐसा है, होने में कुछ टाइम लग सकता है। वैसे तो ये इतना इसके सीड्स इतनी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा अनुकूल नहीं है, होने में 10 दिन लग सकता है। तो इस तरह की पहले आप मिट्टी भुरभुरी से तैयार कर लें, जिसमें कि पानी बिल्कुल ना टिकता हो और रुके नहीं मतलब, और नहीं तो इसकी जड़ें गल जाती हैं। ये पौधा बहुत ही अच्छा है, और ये समर का बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है। सुबह से जब इसके फूल खिलने शुरू होते हैं सूरज के साथ तो तीन चार बजे तक खिले ही रहते हैं। तो इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें, काफ़ी अच्छा पौधा है। और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, और सीड से भी ग्रो हो जाता है, सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और आप रखने का तो ऐसे हैं, इसे 2-3 घंटे की धूप भी काफ़ी है, और पार्शियल शेड में भी अच्छे तरह से हो जाता है, ज़्यादा तेज़ धूप इसके लिए नहीं चाहिए। तो ऐसे स्थान पर इसे रखें जहाँ कि इसे सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिले, और ज़्यादा पूरे दिन की इसे धूप ना लगे। तो ऐसे स्थान पर अच्छी तरह से फ्लावरिंग ये करता रहेगा। और खाद का ये है, आप इसे खाद वाले गमले में पहले ही लगाएं, तो फिर इसे बीच में खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसकी थोड़ी भी केयर कर लें तो ये पूरे साल भर आपके टेरेस गार्डन में बना रह सकता है। ये देखिए मेरी पीली चमेली जंगे जंगे हो रही हैं। तो ये कुछ जानकारी जो मैं थी ये मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में मैंने आपको दी। तो प्लीज़ अब आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम अपने टेरेस गार्डन में मॉर्निंग ग्लोरी के पौधों को लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये मैं इसमें होल करूँगी और ऐसे रखूँगी। ये देखिए इसका सीड्स थोड़ा मोटा है, ऐसे ही रख देती हूँ, और हल्का हल्का सा इसे ऐसे ही मिट्टी से कवर कर दूँगी। तो मुझे इसे यहीं रखना है, तो मैं इसे यहीं लगाऊंगी, और एक में लगा देती हूँ ये बराबर इस गमले में। इसमें भी पहले ऑलरेडी एक तो इसमें है गिलोय का, और दूसरा है ये ड्रेसिना का प्लांट। तो एक मैं इसमें लगा देती हूँ यहाँ पर। यहाँ हल्की हल्की सी छन छन के धूप आती है, गर्मियों में तो काफ़ी आ जाती है फिर भी, तो ये काफ़ी अच्छे से मेरे चल भी जाएगा। तो एक में यहाँ लगा देती हूँ। इस तरह से मैं जो ये समर के ये प्लांट हैं इसके, ये मॉर्निंग ग्लोरी के, मैं कुछ ये अलग अलग गमलों में मैं लगाऊंगी। तो दो मैंने यहाँ लगा दिए हैं, बाकी मैं अभी इसमें 11 सीड्स निकले हैं, और मैं ये एक एक पैकेट में एक एक गमलों में एक एक अभी लगा देती हूँ। तो एक मैं इसमें दो तो मैंने जर्मिनेट कर दिए हैं, मतलब लगा दिए हैं, अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो एक मैं इसमें यह लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऊपर ही मैं इसे रख रही हूँ, कोई ज़्यादा मिट्टी मैंने इस पर नहीं चढ़ाई है, बिल्कुल हल्की सी मिट्टी। देखते हैं कितने दिन में ग्रो हो जाता है। हल्का सी मैंने इसके ऊपर मिट्टी रख दी है, तो तीन सीड मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो मैंने ऐसी जगह का चुनाव किया है जहाँ गर्मी में यहाँ पर इसको हल्की हल्की सी धूप भी आती रहेगी जितनी की इसे चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी एक ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। हल्की हल्की सी इसको धूप मिलती है तो सेमी शेड में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, जैसे कि हमारी अपराजिता के बेल। एक मैंने यहाँ इसका सीड्स डाल दिया है। तो इस तरह से कुल मिला के मैंने 4 सीड डाल दिए हैं, एक मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें
सीड्स हो पाते हैं या नहीं। मॉर्निंग ग्लोरी का जो ये पौधा है, इसके फूल जो है सुबह सुबह के वक्त खिलते हैं, और ये मेरे यहाँ पहले भी था, अब नहीं है। तो लगभग 4 बजे तक इसके फूल बने रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। जब सुबह सुबह गर्मी में उठ के आओ तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के ये लगा दिए, और कई ये कलर्स में आते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के। तो अभी से हमें समर की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने अभी मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स ये लगा दिए हैं, और ये देखिए ये कुछ बचा भी लिया है। और इसके बाद में दूसरा देखिए छोटा सा ये गमला है, इसमें मैं अपने ये मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे को लगा कर दिखाती हूँ। पहले से देखिए मैंने गमले में जो है इस तरह से, जैसे मैंने बताया, 30 से 40% के करीब मिट्टी है, और 30% इसमें रेत है, और बाकी घर के गोबर के खाद है, और पानी डालकर पहले मैंने इसे गीला कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से सीड्स, जो एक सीड है मैं इस तरह से डाल देती हूँ देखिए, और बिल्कुल हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी। अब मैं बाद में पानी नहीं दूंगी क्योंकि मैंने पहले ही मिट्टी गीली कर रखी है। तो बस इसे, आजकल धूप तो आ ही नहीं रही है जो हमें इसे धूप से बचाना पड़े, अगर आएगी भी तो हल्की फुल्की धूप, इसके लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद ही है। तो हम इसे रख सकते हैं, और अभी चाहे तो हम इसे ढककर भी रख दें जिससे इसमें थोड़ा सा गर्माहट बने और इसका जो है भी जल्दी से ग्रो हो। तो मैं इस तरह से ढककर रख देती हूँ, और जो भी इसका रिजल्ट होगा मैं आपके साथ अपडेट करूँगी। तो बस ये जानकारी मैंने आपको दी कुछ जो ज़रूरी थी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना, और वीडियो में आप बने रहे इसके लिए थैंक यू।